उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले हैं, लिहाजा सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में प्रदेश में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस प्रियंका गांधी को चेहरा बनाकर संजीवनी तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे करके समाजवादी पार्टी और बसपा को मात देने की प्लानिंग बनाई है। कांग्रेस की तैयारी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो खुद को बीजेपी के मुकाबले टक्कर में दिखा सके। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के कई प्रस्तावित दौरे सामने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी पिछले दिनों रामपुर में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा में मारे गए किसान नवरीत सिंह की आखिरी अरदास में भी पहुंची थीं। वहीं वो आज सहारनपुर के दौरे पर हैं, जहां किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। वो जिस जगह पर किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी, वहां उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी भी रैली को संबोधित कर चुके हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के सहारे 10 फरवरी से पश्चिमी यूपी में जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत कर रही है। वैसे तो बात किसानों की हो रही, लेकिन कांग्रेस की निगाहें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हैं। प्रियंका गांधी सहारनपुर के बाद 13 फरवरी को मेरठ, 16 फरवरी को बिजनौर और 19 फरवरी को मथुरा में आयोजित महापंचायत में भी हिस्सा लेने वाली हैं। मेरठ में उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं। फिलहाल ऐसी भी खबरें हैं कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में गंगा स्नान के लिए प्रियंका गांधी वहां जा सकती हैं। ITP न्यूज रूम की रिपोर्ट।